राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राम राम दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। देखिए, फिलहाल मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ। पता है कहाँ हम जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो भाई, थोड़ा बोल दो। आज हमारे चीता का पहला सर्विसिंग है ना भैया? हाँ भाई, हमारा चीता का पहला सर्विसिंग है आज। पहला सर्विसिंग है, एक्साइटेड है, देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी तो मैंने 1300 किलोमीटर चला लिया है, 1000 किलोमीटर पार कर दिया है मैंने। वो एक्चुअली फैमिली के काम में थोड़ा जाना पड़ा था बाहर शहर, तो उसी बीच में ये 1000 किलोमीटर पार हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी सर्विसिंग हो जाएगा अपना ठीक ठाक से। तो शोरूम में मैंने पूछा भी था, तो आज पहला सर्विसिंग है। देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ करते हैं वहाँ पे, और कुछ होगा तो क्लिप्स भी वहाँ पर फुटेजेस लेंगे, वीडियोस लेंगे, आपको बताएंगे, थोड़ा सा रिव्यू भी करूंगा अपना जो यूजर एक्सपीरियंस पहला 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद, वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ से हमारा जयपुर घाट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना भाई? शुरू हो रहा है घाट सेक्शन अभी। अरे ये भी मस्त बड़ा जंगल है भाई, कभी मौका मिलेगा तो यहाँ पे कैंपिंग कर पाएंगे क्या? हाँ, कैंपिंग तो कर सकते हैं भाई, थोड़ा हाईवे रोड के पास है ना ये। अंदर तक थोड़ा रास्ता होता तो जरूर करता था। देख रहे हो ना, किसी डीप जंगल। हाँ। ये और भी डीप हुआ करता था, बीच बीच में पेड़ वेड़ सब काट लिए ना। हाँ। और भी डीप हुआ करता था, मतलब धूप यहाँ पर पड़ते नहीं थे रोड पे। मजा आ रहा है ना ऊपर की तरफ, देखो वो, देखो कैसे ऊपर जंगल। बहुत जंगल है भाई, घने जंगल। तो दोस्तों फाइनली हम शोरूम के पास पहुंच गए दोस्तों। फाइनली शोरूम के पास नहीं, शोरूम के अंदर ही बैठे हैं। मस्त काउच है, देखिए दोस्तों, आराम से बैठे हैं। हाँ, पानी और पानी बॉटल और कॉफी भी रेडी है, भी दे रही है। अभी थोड़ा कॉफी वॉफी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे देखेंगे, थोड़ा क्लिप व्लिप लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे आएंगे, आए हैं थोड़ा दिखाएंगे किस जगह पर, और सर्विसिंग कैसे हो रहा है, क्या कुछ है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे। पहले ये कॉफी भी ले। देखिए दोस्तों, फिलहाल शोरूम के बाहर खड़े हैं लेजेंड कार्स जयपुर। सर्विसिंग के लिए जाने ही वाली है अपनी चीता। यहाँ पर एक दूसरी चीता भी है, देखो। नहीं पता नहीं ये चीता है ये क्या है, जो भी लेंगे इसका नाम रखेंगे। ये तो टेस्ट ड्राइव गाड़ी है लगता है। हाँ, यहाँ का टेस्ट ड्राइव भी है। हाँ, ये डेमो गाड़ी, टेस्ट ड्राइव गाड़ी है ये। पीछे देख रहे हो ना जंगल पहाड़, इधर देखो, वो घाट स्टेशन होके उतर के आए हम वहाँ से। बहुत बड़ा पहाड़ है ना। हाँ, बड़े से बड़े। अभी वहाँ अंदर चलेंगे, सर्विसिंग क्या हो रहा है दिखाएंगे थोड़ा। टॉप मॉडल है नहीं, ये टॉप मॉडल तो नहीं है, ये शायद बेस मॉडल है, टेस्ट ड्राइव गाड़ी है ना। यहाँ पर भी देखो यार, कितने सारे नए नए गाड़ियाँ हैं खड़े हैं। अभी अपनी जो चीता है वॉशिंग के लिए वहाँ पे लगेगा। देखिए दोस्तों, गाड़ी एकदम चकाचक, टायर पॉलिश वॉलिश सब कुछ हो गया है, सर्विसिंग कंप्लीट। आखिरकार अपने चीते की सर्विसिंग खत्म, चलने के लिए तैयार हो? काफी खूबसूरत से गाड़ी को पूरा चकाचक कर दिया। अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। देखिए शोरूम के सामने खड़े हैं, अभी सर्विसिंग खत्म हो गया, निकलने को तैयार है। लेजेंड कार्स जयपुर में है। अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा फर्स्ट सर्विस। बाकी चलते चलते आपको रिव्यू बताऊंगा, ठीक है? चलो पहले चलते हैं, बहुत धूप है ना भाई। हाँ, ज्यादा धूप भी हो रहा है भाई। चलो चलते हैं। तो अपना जो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूंगा, ठीक नहीं भाई? हाँ भाई, जो 1300 किलोमीटर अभी चलाया मैंने, 1300 कुछ और किलोमीटर चलाया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? देखिए, इसी बीच में मैंने एक 400 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रिप भी किया था, थोड़ा लॉन्ग था। और हमारा एरिया तो पहाड़ी वाला एरिया है, सालूर घाट, सुंकी घाट ऐसे नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देखेंगे तो वह घाट सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो वो देख के आप थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे कैसे कैसे घाट सेक्शन में मैं आया वहाँ से ट्रिप करके। डाउन भी, डाउन हिल गया, अप हिल भी चढ़ के आया। हम पूरा लोडेड गाड़ी में गए थे, मतलब यहाँ पे पापा जी बैठे थे, वहाँ पे मम्मी जी और एक भैया जी और एक उनके साथ एक और भैया जी, ऐसे 5 लोग बैठ के गए थे हम। तो पांचों के पांचों गाड़ी में आराम से फिट हो गए, सब हटे कटे लोग हैं। हम, मैं थोड़ा कम हूँ, लेकिन मैं तो ड्राइविंग सीट में ड्राइविंग करता रहा। बाकी जो जितने बैठे थे वो सब
नॉर्मल बॉडी वाले थे, आराम से फिट हो गए, कंफर्टेबली 400 किलोमीटर टूर करके आ गए, कुछ भी उनको दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे जो अनकंफर्टेबल बोलते हैं ना, वैसे कुछ अनकंफर्टेबल उनको फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने पूछा सस्पेंशन तो भाई A1 नंबर 1, झटके वटके कुछ भी पता नहीं चलता, चाहे जितना भी मतलब गड्ढे आए, पॉट होल्स आए, सबके सब ऊपर चढ़ा के आराम से चली जाती है। तुमने भी फील किया है कि नहीं भाई? हाँ भाई। बाकी माइलेज की बात करूँ तो देखिए अभी तक एवरेज जो दिखा रहा है 1300 किलोमीटर टोटल की एवरेज जो दिखा रहा है 14.2, इनमें से ऑफ रोडिंग भी शामिल है, इसमें जितने भी ऑफ रोडिंग करके मैंने कैंपिंग किया है वो सब भी इसमें शामिल है। तो लगभग लगभग मोटा मोटी आप कहने को जाएंगे तो मेरे ख्याल से करीब करीब 14.5 से 15 तक माइलेज मुझे मिला है, वो 400 किलोमीटर की ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी में, एकदम बढ़िया मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी। माइलेज भी बढ़िया है, साउंड भी बढ़िया है, सर्विसिंग तो भाई A1 क्या ही कहना सर्विसिंग का, खास करके जो शोरूम, मजा आ गया भाई शोरूम में। जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो साफ सफाई करते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी मैंने मतलब बाहर के एरिया में जो पिछला वाला पहला वाला जो गाड़ी सर्विसिंग किया कर रहा था वहां पर भी मैंने नहीं देखा ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी में सर्विसिंग वगैरह करते हैं, मतलब तो धोना वोना सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और सर्विस सेंटर वाले भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही पोलाइट, आपको अच्छे ना सिर्फ आपको मैनर्स दिखाते हैं बल्कि जो सर्विस देते हैं बैठने के बाद जो कॉफ़ी चाय, भाई डबल डबल कॉफ़ी, उसके बाद चाय भी पिला दिया, पानी भी पिला दिया, मतलब ऐसे सब छोटे मोटे जो सर्विसेस होते हैं ना उसमें कोई कमी नहीं है। और ये छोटे छोटे बातें मायने रखते हैं आपके लिए, क्योंकि जब सर्विसिंग को जाते हैं आपको ऐसे पानी चाहिए होगा, चाय चाहिए होगा, फ्रेश नहीं लग रहा होगा, थोड़ा बैठ के बोर हो रहे होंगे, तो ये सब थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए चाहिए होता है कि नहीं? बोलने के लिए भी नहीं पड़ता है, बोलने की जरूरत नहीं। और अच्छे से सब लिफ्ट विफ्ट किया था गाड़ी को, कोई इशू नहीं था, कंप्यूटर में भी चेक किया था उन्होंने, सेंसर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक है एकदम। तो ये था अपना पहला 1300 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का जो सर्विसिंग बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस। बाकी ये तो फ्री सर्विसिंग रहता है, बाकी 104 रुपीज़ ऐसे कुछ मिनिमल सा एक जो मतलब क्या बोलते हैं कंपलसरी एक चार्ज होता है ना, वो मिनिमल सा चार्ज रहता है उनका फ्री सर्विसिंग में, बस वही पे करके हम आगे सर्विस खत्म हो गया। अभी सेकंड सर्विसिंग भी फ्री है और थर्ड सर्विसिंग भी फ्री होता है, वो 5000 किलोमीटर में एक सेकंड होगा, फिर 10000 किलोमीटर के बाद थर्ड होगा, उसके बाद अगले साल से पेड सर्विसिंग चालू हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे शेयर करते जाऊँगा मैं आपके साथ। तो गाड़ी सर्विसिंग के लिए मार्क कितना देता चाहता है भाई? अरे भाई 10 out of 10 मेरे लिए तो 100 ही 100 भाई। मार्क राइट गाड़ी सर्विसिंग के बाद एक साफ सुथर करने के लिए ये भी दिया है भाई, देखो। अच्छा हाँ, ये ग्लास साफ करने के लिए विंडशील्ड वगैरह एक्सेसरीज दिया है, गाड़ी में रख दिया है उन्होंने ग्लास इमरजेंसी में साफ करने के लिए, बहुत ही बढ़िया है ये भी। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, गाड़ी सर्विसिंग के ब्लॉग भाई। बिल्कुल, अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सुझाव है तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, डाउट्स वगैरह अगर कुछ होते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की, अगर मुझे पता हो तो, नहीं अगर नहीं भी पता हो तो पूछ के भी आपको बता दूंगा। आगे भी कुछ देखना चाहते हैं स्पेशल में तो वो भी डिमांड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सब भी आपको डिटेल में रिव्यू करके दिखाऊंगा। बाकी इंटीरियर वगैरह और भी गाड़ी का इंजन वगैरह वो सब डिटेल में दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कल तो कैंपिंग ट्रिप जाएंगे ना। हाँ। प्लान करूंगा मैं कैंपिंग ट्रिप के लिए। हाँ। तो टाइम निकालना भाई, कभी मिलता है तो टाइम फिर से ज्वाइन कर लेना। हाँ, टाइम तो निकालूंगा भाई। ठीक है, जब तक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए विदा दीजिए, टाटा बाय बाय। सेकंड सर्विसिंग।